आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से हैजर्ड्स हैं जो हमें अपनी वर्कप्लेस में जिनका हमें फेस करना होता है। हैजर्ड्स मीन्स कौन कौन से ऐसे खतरे हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। सो वी विल अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ हैजर्ड्स। तो हैजर्ड्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी इज फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स सबसे कॉमन टाइप के हैजर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्लिप हो जाना, कुछ गिर जाना, ऊंचाई पे काम करना, वाइब्रेशंस वाली जगह पे काम करना, जहाँ पे मशीनरी अनगार्डेड होती हैं, जिससे हमारे फिजिकली मीन्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली कुछ नुकसान आ सकता है। दीज काइंड ऑफ हैजर्ड्स को हम बोलते हैं फिजिकल हैजर्ड्स। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेन्स के कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम पुअर लाइटिंग में काम करें तो क्या होगा, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर पे, कोई बच्चा डाटा एंट्री की जॉब पे लगता है और उसका जो टेबल है, जो कंप्यूटर टेबल है वो सही नहीं है, चेयर और टेबल की जो डायमेंशन है वो सही नहीं है, तो क्या होगा, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, ऐसे काम रहेंगे। सिमिलरली अगर उसका पुअर पोस्चर हो, ठीक है जी, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में कन्वेयर बेल्ट्स पे काम करते हैं, हमने कई बार वीडियोस भी देखी हैं कन्वेयर बेल्ट्स की, कि एक आदमी कन्वेयर पे कुछ आ रहा है तो वो उठा के उसे पैकिंग करते जा रहा है, तो उसका रेपिटेटिव पोस्चर हो रहा है, हाथ इधर से उधर उठा रहा है, सिर उधर से नीचे इधर उठा रहा है, कमर का बल हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों से, रिपीटेटिव का टास्क करने से, ऑकवर्ड पोजीशंस के आने से हमें क्या आती हैं, हमारी बॉडी पे कुछ रिस्ट्रेंस आते हैं, कुछ स्ट्रेन आते हैं। दीज काइंड ऑफ हैजर्ड्स, ऐसी तकलीफें किस में आती हैं कैटेगराइज, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स में। नेक्स्ट इज केमिकल हैजर्ड्स। केमिकल हैजर्ड्स हमें समझ लग रहा है कि केमिकल्स, तो जो कोई वर्कर, जो कोई काम करने वाले अगर किसी कंपनी में ऐसे काम करते हैं जहाँ पे एसिड का काम हो रहा है, जहाँ पे गैसेस का काम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे गैसेस हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, कुछ बर्न कर सकते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ हैजर्ड्स कम अंडर केमिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, तो ये तरीके के हैजर्ड्स ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आते हैं, जैसे कि अभी हमने ज़्यादातर देख रहे हैं कोरोना पेशेंट्स में, तो सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पीपी किट डाल कर जाते हैं, बट उनको फिर भी कोरोना हो जाता है, किसी की डेथ भी हो जाती है, तो ऐसी हैजर्ड्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। मीन्स कोई हैजर्ड्स, कोई इन्फेक्शन किसी पर्टिकुलर प्लांट, एनिमल, या किसी इन्फेक्शन से, या किसी बॉडी के फ्लूइड से, या किसी बैक्टीरिया से, या किसी इंसेक्ट के काटने से, किसी वायरस से किसी दूसरे की बॉडी में चला जाता है, तो ऐसे खतरों को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में। वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड्स वो हैं कि जो हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं जब हम ऑफिसेज में काम करते हैं, जैसे कि वर्कलोड उठाते रहना, वर्कप्लेस पे लड़ाई होना, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप्स खराब होना, सेक्सुअल हरासमेंट्स आना, सो ऐसे खतरों को हम डिफाइन कर देते हैं अंडर हैजर्ड्स ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड्स। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, फिजिकल, एर्गोनॉमिक, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड्स। तो ये ऐसे खतरे हैं, ये ऐसे हैजर्ड्स हैं जो हमें जब हम वर्क प्लेस पर रहते हैं तो उसका हमें फेस करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन में कैसे कैसे हैजर्ड्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, गिर जाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम पे गिर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग क्या करके रखते हैं, हेलमेट डाल के रखते हैं, प्रॉपर किट, ग्लव्स डाल के रखते हैं, शूज़, हाई शूज़ डाल के रखते हैं, सो दैट कि वो ऐसे फिजिकल हैजर्ड्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, उनसे बच सके। सिमिलरली अनदर फील्ड इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमें क्या होता है,
केमिकल्स का यूज भी होता है, क्योंकि अगर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर मास्क नहीं डाला हुआ, तो क्या होगा, हमारे में केमिकल हैजर्ड आएगा। और भी क्या होता है कि हम क्योंकि कॉन्स्टेंटली सन का एक्सपोजर करते हैं तो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, दैट इज अगेन अ फिजिकल हैजर्ड। फिर हम कॉन्स्टेंटली अगर ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे नॉइज होती रह रही है, तो क्या होगा, हमारे सुनने की शक्ति पे भी इफेक्ट पड़ेगा, विच इज ऑल्सो अ फिजिकल हैजर्ड। अगर काम करते हुए किसी के ऊपर से ट्रैक्टर निकल जाए या कोई पार्ट उनके ऊपर गिर जाए, तो दैट इज अगेन अ हैजर्ड विच इज अ फिजिकल हैजर्ड। तो एग्रीकल्चर में भी हमें फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड भी दिख रहे हैं, ठीक है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, मीन्स जहाँ पे माइंस में ऑयल, कोल, गैस या कुछ और चीज़ें हम जब निकालते हैं, तो वहाँ पे भी हमें हैजर्ड्स आते हैं, ठीक है, केमिकल्स का कॉन्टैक्ट हो रहा है, गैस का कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो फिजिकल हैजर्ड से लेके केमिकल हैजर्ड्स तक हमें फेस करने पड़ सकते हैं जब हम माइनिंग या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जॉब्स दिलवा रहा है, आप लोगों की जॉब्स भी वहाँ पे ज़्यादातर लगेंगी। कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओबेसिटी, स्ट्रेस, वर्क प्लेस बुलिंग, ओवरवर्क, कंप्यूटर पे ज़्यादा देर काम करते रहना, तो इससे क्या हो रहा है हमारे पे वर्क ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स आ रहे हैं और एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स आ रहे हैं। सो दीज वर फ्यू ऑफ द सेक्टर्स जिसकी मैंने एग्जांपल लेते हुए आपको बताया कि किस सेक्टर में कैसे कैसे हैजर्ड्स हैं। आई होप आपको ये काफ़ी क्लैरिटी आई होगी हैजर्ड्स के बारे में। फॉर एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक। थैंक यू।